यार, अगर आप सैमसंग के फोन चलाते हैं ना, तो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कैसे अपने मोबाइल का बैटरी बैकअप बढ़ा सकते हैं। देखिए, सैमसंग मोबाइल में अक्सर यह प्रॉब्लम होता है। खैर, ये मैं बैटरी प्रॉब्लम वाली वीडियो मैंने और भी डिवाइस के लिए बताया है, जैसे कि रियलमी, MI। लेकिन देखिए, यहाँ पे एक बात होता है, सैमसंग के मोबाइल में ना कुछ ऐसे स्पेशल सेटिंग है जो कि स्पेशली सैमसंग के लिए ही है, ठीक है ना। तो वो आप अगर आप इस वीडियो में देख लेंगे तो आप जान जाएंगे कैसे सैमसंग के मोबाइल का बैटरी प्रॉब्लम हम ठीक करेंगे, बैटरी बैकअप को हम बढ़ाएंगे, और वो भी बहुत ही ज़्यादा। अगर आपका बैटरी बैकअप 4-5 घंटे लगातार देता था, तो अब आपका 10 घंटे और 2 दिन से ज़्यादा चल जाएगा। अगर आप फ़ोन में फ़ोन कॉल, कैमरा, यही 2-3 चीज़ें सिर्फ यूज़ करोगे ना, तो बैटरी 3 दिन तक भी चलेगा, वो भी आराम से। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप वीडियो को देखते रहो और सब कुछ पता चल जाएगा। खैर, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और यहाँ पे घंटी बटन दबा दीजिएगा। वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे, ठीक है। तो कमेंट में दोस्तों आपको लिख देना है, कमेंट में लिख देना है सैमसंग मोबाइल बैटरी सेविंग ट्रिक, ठीक है, आपको ये लिख देना है। और एक और कमेंट आपको लिख देना है दोस्तों कि मतलब आप जो फ़ोन चलाते हैं, आप लिख दीजिए सैमसंग का, आप जो भी फ़ोन चलाते हैं ना, सैमसंग मोबाइल का मॉडल, आप अपने मॉडल को कमेंट कर दीजिए। तब तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई, ज़्यादा इस डिवाइस के यूज़र हैं, M सीरीज के या जो भी हो, ठीक है ना। तो आप हमको आप कमेंट में बता दो। तो खैर, अब चलिए ट्रिक की ओर। आपको देखिए, सबसे पहला जो सेटिंग कर लेना है, मैं आपको अपने स्मार्टफोन बताना चाहूँगा, आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाओ, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करिए और यहाँ पे मिल जाएगा अबाउट सेक्शन। अबाउट में जाना है, नीचे आपको करना है दोस्तों, और यहाँ पे मिलेगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पे जाइए, नीचे स्क्रॉल करिए और ये बीच में मिल गया बिल्ड नंबर, ये आपको मिलेगा। इस पे 5 या 6 बार लगातार आपको दबाना है, ठीक है ना। जब इसको आप दबाएंगे तो आपको यहाँ पे इनेबल मिलेगा डेवलपर ऑप्शन। अब ये करने के बाद यहाँ पे आ जाइए, बैक करिए और ये देखिए डेवलपर ऑप्शन मिल गया। और यहां पे आपको करना क्या है दोस्तों, इसके अंदर आपको जाना है और अब देखिए यहां पे बहुत सारे सेटिंग मिलेंगे, लेकिन सब सेटिंग को आपको नहीं छेड़ना है, किसी में नहीं जाना है, दूसरे सेटिंग में। हाँ, तो यहां पे चलिए नीचे आ जाइए और ये सेटिंग आपको चालू कर देना है। सैमसंग मोबाइल में अक्सर यह होता है प्रॉब्लम, इसकी वजह से बैटरी जल्दी जल्दी खत्म होता है और हीटिंग प्रॉब्लम भी इसी वजह से शुरू होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए हमें मिल गया यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए ऐसे दिखेगा ना, तो यहाँ पर आपको कर देना है 2 एट मोस्ट प्रोसेस, ठीक है ना। ये आप कर दोगे तो फिर आपका जो है ना ये डिवाइस बहुत ही अच्छा चलेगा, ठीक है। आपको एटमोस्ट प्रोसेस 2 पे कर देनी है। देखिए, अब ये है क्या, अगर आप इसको पूछना चाहेंगे ना, तो हम आपको बता दें कि आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप हैं और सब जरूरी है, लेकिन वहां पे होता क्या है, आपके ऐसे नॉर्मली ना सभी ऐप चलते हैं बैकग्राउंड में, लेकिन अब जो आपने 2 कर दिया तो आपका जो ये रिसेंट ऐप है, एक ये एप्लीकेशन अभी सामने है तो ये चलेगा अच्छा से, और इसके पीछे जो है वो चलेगा अच्छा से, बाकी तीसरा चौथा जो है ना वो स्टॉप कर देता है, ठीक है। मतलब यही 2 आगे चलता है रिसेंट ऐप में, तो इसलिए मैं बता दूं आपको ये सेटिंग आपको कर देना है। और अब एक और आखिरी सेटिंग की बात करते हैं, आपके सेटिंग में जाइए मोबाइल में और नीचे स्क्रॉल करिए, यहां पर आपको मिल जाएगा डिवाइस एंड बैटरी केयर, इस पे जाइए और यहां पे ऑप्शन पे क्लिक, यहां नहीं, पहले बैटरी में आपको जाना है, बैटरी सेक्शन में। बैटरी में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करिए, मोर बैटरी सेविंग मोर बैटरी सेटिंग मिलेगा, इस पे आपको जाना है और ये सेटिंग आपको चालू कर देनी है फटाक से। मतलब ये देख लो, एडेप्टिव वाला चालू कर दो, मैं हमेशा चालू रखता हूँ क्योंकि इससे मेरा बैटरी ना बहुत ज्यादा चलता है। तो मतलब ये बात है, मेरा 1 साल से ज्यादा हो गया इस फोन का, डेढ़ साल से ज्यादा, और अभी भी ये फाइन परफेक्ट चलता है। तो आप सोच सकते हो कितना पावरफुल ये ट्रिक है, आपको इसको भी चालू कर देना, ठीक है। ये तो खैर बैटरी 100% करने के लिए है, और फास्ट चार्जिंग भी चालू रख दें तो आपका मोबाइल भी फास्ट चलेगा। तो आप ये सेटिंग आप कर दोगे तो बैटरी बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट चलेगा। एक सेटिंग, अब पावर सेविंग की बात कर लें, पावर सेविंग के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, 90% जानते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, पावर सेविंग मोड तब रखें जब आप कहीं
ऐसी जगह घूमने जा रहे हैं कि आपको पूरा दिन चार्ज करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो वैसे जगह ना आप इसको चालू रख सकते हैं, और इसको चालू रखने के बाद आपका बैटरी और भी ज़्यादा सेव होता है, राइट। तो इसलिए आपको यह फॉलो करना है रोज, एक बार इसको सेटिंग कर दे जो भी मैंने बताया, और ये सेटिंग स्पेशली डे बाय डे के लिए है, मतलब जब आप एक्सट्रीम कंडीशन में हो तब इसे चालू कर दीजिए। तो बस दोस्तों यही आप फॉलो कर लीजिए सेटिंग को, आपका मोबाइल का बैटरी डबल हो जाएगा। तो यार आपको ये सारे सेटिंग फॉलो करके ना सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप जो सैमसंग का फ़ोन चलाते हैं वो हमें कमेंट में बता दीजिए, और आपका नीचे कमेंट में लिख दीजिए सैमसंग मोबाइल बैटरी सेविंग ट्रिक। थैंक यू। और ऐसे ही सैमसंग के और भी टिप्स ट्रिक जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, या तो मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, चैनल पे जाइए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टिप्स ट्रिक की वीडियो मिलेंगे, जैसे फोन को टीवी में चलाएं और भी अलग अलग। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।